दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी इन्विक्टो। आज मैं आया हूँ आपकी ऑल न्यू इन्विक्टो के लॉन्च पे और आपको समझाते हैं आपकी ऑल न्यू इन्विक्टो क्या स्पेशल आपको दे रही है। यहाँ पर मारुति सुजुकी ने एक ऐसी गाड़ी लॉन्च करी है जो कि 20 लाख से ज़्यादा प्रीमियम में आपको ऑफर की गई है। सेगमेंट फर्स्ट कुछ फीचर इसमें दिख रहे हैं मुझे और डिज़ाइन फ्रंट में गाड़ी क्या स्पेशल बनाई गई है और कहीं ना कहीं जो टोयोटा हाईक्रॉस आपके सामने है उससे ये गाड़ी कैसे आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो सकती है। डिज़ाइन फ्रंट में देखेंगे तो एक भारी भरकम बहुत बड़ा लुक इसमें दिया गया है। अगर इसके व्हील बेस को देखेंगे ना 2850 मिलीमीटर का व्हील बेस काफ़ी शानदार लगता है। इस गाड़ी में ना काफ़ी आपको एक्सेसरी फ्रंट में देखने को मिलेंगे जो कि थोड़ा ना नया आपको देखने को मिलेगा। मारुति में नॉर्मली ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। अपोलो के टायर में देख रहा हूँ, साइज़ देखेंगे 215/60 रेडियल 17 इंच का आपको यहाँ पर अलॉय मिलेगा और काफ़ी प्यारा लग रहा है। टोटल इस गाड़ी के आपको 4 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। उसी के साथ यहाँ पर देखेंगे जो आपको सारे लाइटिंग के ऑप्शन है ना वो इस तरीके से देखने को मिलेंगे। बाकी जो स्पेशल बनाया गया ना इस गाड़ी को, इस गाड़ी में आपको एक प्योर हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा जिस तरीके से आपको ग्रैंड विटारा के अंदर देखने को मिलता है, वही चीज़ इस गाड़ी के साथ भी आप देखेंगे। फ्रंट लुक से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नेक्सा की जो ट्रेडिशनल लुक है ना वो याद आएगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो ADAS है वो मिस यहाँ पर मारुति ने किया गया है जिससे इस गाड़ी को थोड़ा सा ना बजट के हिसाब से रखा जा सके। और फ्रंट में देखेंगे जो आपको XL6 वाली जो ग्रिल है ना उसको और ज़्यादा एक मैच्योर फ्रंट में ले जाके एक अलग लेवल में ले जाके बढ़िया लग रही है। और कुछ चीज़ें ना मुझे यहाँ पर जो एक एक्सेसरी फ्रंट है वो भी नोटिस में आ रही है जो आपको नेक्स्ट यहाँ पर ग्रिल देखने को मिलती है, अच्छी लग रही है। बाकी गाड़ी का देखिए ना इंडिया के हिसाब से प्रैक्टिकलिटी फ्रंट में ग्राउंड क्लीयरेंस सही लग रहा है मुझे। और अभी आप इस रिव्यू को देख रहे हैं, एक तरीके से फर्स्ट रिव्यू अपना रहेगा जिसमें आपको समझ में आएगा ये गाड़ी स्पेशल क्या दे रही है और इस सेगमेंट में जो आपके पास हाई क्रॉस ऑलरेडी है, क्योंकि ये टोयोटा और मारुति सुजुकी का अपना एक तरीके से ना प्रोडक्ट शेयरिंग जो प्रोग्राम है उसके अंदर ही ये गाड़ी आपको ऑफर की गई है। उसके अलावा जो यहाँ पर आप ओवादियंस में देखेंगे 360 डिग्री कैमरा वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। साथ में आप चलेंगे फ्रंट में तो ये मॉड्यूल आपको फ्रंट में भी फॉलोअप होता हुआ दिखेगा। आप देखिए साइड में तो यहाँ पर आपको देखिए फॉग लैम्प इसमें एक तरीके से मिस आउट में कहूँगा, एक DRL फंक्शन आपको जस्ट दे दिया गया। और ये है गाड़ी की साइड की प्रोफाइल, काफ़ी लंबी चौड़ी भारी भरकम जो साइड प्रोफाइल है यहाँ पर रहने वाली है। कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं फोर्ड एंडेवर की याद आते हुए ये कुछ कटआउट्स आपको देखने को मिलेंगे और जो कि सही लग रहा है यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक बोल्ड अपील जो एक SUV वाली थिंग इसमें रहती है, बढ़िया सा लग रहा है। बाकी गाड़ी का डिज़ाइन कहीं ना कहीं अभी भी आपको जो हाई क्रॉस है उसी के आजू बाजू लगेगा, बस जो नेक्सा इंस्पायर्ड ग्रिल है वो आपको दी गई है। बाकी बहुत सही लुक्स के साथ है ये गाड़ी, आपको 7-सीटर का ऑप्शन भी दे रही है, 8-सीटर का ऑप्शन भी दे रही है। और यहाँ पर देख रहे हैं कुछ क्रोम के एलिमेंट्स हैं, इस साइड देखेंगे डोर हैंडल्स आपको दिखेंगे और किस तरीके से ना जो फिटिंग है फिनिश है सही रखी गई है आपको। और यहाँ पर थोड़ा सा अंदर आपको क्लैडिंग का पार्ट, एक प्लास्टिक क्लैडिंग जो यूज़ की गई है वही सिमिलर रहेगा, लेकिन मेन चीज़ काफ़ी स्टडी आपको फील होगी। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे ये रहने वाला है, इसमें अच्छी बात ये है ना फ्यूल इकोनॉमी फ्रंट 23+ KMPL का माइलेज, 23.24 KMPL का माइलेज ये गाड़ी आपको पेट्रोल के साथ देगी। 2000 CC का पेट्रोल इंजन है, कहीं ना कहीं 180 हॉर्स पावर की रेंज में ये आपको पावर भी दे सकती है। और सबसे खास बात है कि बड़ी पैनोरामिक सनरूफ वो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे जो कि इस गाड़ी के साथ रहने वाली है। कुछ आपको 10 इंच की स्क्रीन जो कि आप देख रहे हैं वो मिलने वाली है, किस प्रकार रहेगी तो ये इसके सारे फंक्शन है। उसके अलावा जो यहाँ पर आप देखेंगे पीछे के डोर का जो अपर्चर है, जैसे देखिए भाई लोग बैठे हुए हैं तो इतना अपर्चर आपको मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर थोड़ा जो प्रीमियम फ्रंट है उसको ध्यान रखते हुए ये जो सनशेड्स है वो आपको मारुति कंपनी फिटेड ही यहाँ पर ऑफर कर रही है। थोड़ा सा वाइड में देखेंगे ना तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्रॉन्ज फिनिश का यूज़ देखने को मिलेगा जो कि इस प्रकार है। नीचे आपको थोड़ा बॉटल के लिए स्पेस, इंटीरियर में ना हाई क्रॉस और जो आपकी नई जो इन्विक्टो आई है ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, लेकिन मेन कहानी होती है कि जो मारुति सुजुकी का नेटवर्क है वो ज़्यादा ईजिली आपको थ्रू आउट द इंडिया मिल जाता है, जिससे इस गाड़ी को एक तरीके से सर्विस करना ईजी होगा, बाय करना ईजी होगा, क्योंकि यहाँ पर मारुति एक नए प्लांट पर काम कर रही है जिसकी एनुअल कैपेसिटी 10 लाख गाड़ियों की है। तो वेटिंग पीरियड नाम की चीज़ आप भूल जाएंगे जब वो प्लांट एक बार रनिंग में आ जाए, उसके बारे में आपको आगे समझाता हूँ। अब पीछे देखेंगे ना यहाँ पर टेल लैंप्स, वो चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे किस प्रकार से टेल लैंप काफ़ी ब्राइट रखे गए और ये इसका कुछ डिफ्यूज़र एलिमेंट है, यहाँ पर इसका मेन जो लाइट एलिमेंट वो रहेगा। उसके अलावा अलॉय मैंने आपको बताया 17 इंच के अलॉय रहने वाले, 18 इंच का ऑप्शन अभी नहीं दिखाया गया है। और फ्यूल लिट को ओपन करने के लिए ऑप्शन आपको अंदर से ही मिलने वाला है, यहाँ से कोई ऑप्शन ऐसा इसमें नहीं रहेगा। उसके अलावा बूट स्पेस देखेंगे ना गाड़ी में, क्योंकि देखिए आपको 7-सीटर का ऑप्शन है, 8-सीटर का ऑप्शन है और बड़ी पैनोरामिक सनरूफ रहने वाली है और अच्छा खासा आपका साइज़ भी है, आराम से बैठोगे आप। इसका साइज़ देखेंगे 235 लीटर के आसपास है इसका साइज़ अभी रहने वाला है, और इसको एक बार फोल्ड कर लेंगे तो 690 लीटर का जो आपको बूट स्पेस मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको पावर टेलगेट का ऑप्शन मिलेगा, कुछ आपको
यार अलग अलग फॉन्ट है, मतलब वो आपको दिखा देते हैं क्या फंक्शन है इसमें, और पीछे आपको इन्विक्टो की बैजिंग और ये चीज़ें मिलती है बाकी, और ये सारे फंक्शन मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये इसका फंक्शन, यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके के फंक्शंस और क्या रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ 235 लीटर का आपको यहाँ पर अभी बूट स्पेस मिल रहा है, इसको फोल्ड कर दीजिए 690 लीटर के रेंज में चले जाएगा। और पीछे से देखेंगे काफ़ी इजी ऑपरेशन है कुछ, यहाँ पर आपको ये फंक्शंस और ये चीज़ें मेंशन की गई है। हाइब्रिड की बैजिंग है क्योंकि ये एक ऑथेंटिक हाइब्रिड, एक फुल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है, और कहीं ना कहीं जो आपने ग्रैंड विटारा में एक्सपीरियंस कर लिया है वो 3 सिलेंडर का हाइब्रिड सिस्टम है, ये 4 सिलेंडर का हाइब्रिड पावर ट्रेन है और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है 2000 cc के पेट्रोल इंजन के साथ। और गाड़ी का इस तरीके से आप यहाँ पर पूरा लुक देख रहे हैं, मैं इसके सारे वेरिएंट आपके सामने लेके आऊँगा, सारे कलर ऑप्शन लेके आऊँगा। प्राइसिंग की बात की जाए ना, अभी कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये गाड़ी 25 लाख से लेके 30 लाख के रेंज में जाएगी। जहाँ पर एक शोरूम की बात की जाए, टोयोटा हाईक्रॉस का जो बेस मॉडल है ना 18 लाख रुपए एक शोरूम से आता है, लेकिन यहाँ पर मारुति सुजुकी थोड़ा सा सिंपल रखना चाहती चीज़ों को, ज़्यादा वेरियंट आपको नहीं ऑफर करेगी। और आप मुझे बताइए क्या आपको इसका सिंपल सा वेरियंट चाहिए क्या? बाकी यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, मैं कुछ देख रहा हूँ स्पेशल सा एक्सेसरी फ्रंट ही है, जो कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देने के लिए एक आपको स्पोर्ट टिप दी गई है एग्जॉस्ट के अंदर, और पीछे का पूरा आपको सस्पेंशन यूनिट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो स्पेयर व्हील है वो आप नोटिस करेंगे, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि स्पेशली नेक्सा करती है अपनी गाड़ियों के साथ, भले ही आप जिमनी की बात करिए या फिर फ्रॉन्क्स की। और अच्छी तरीके से ना एक रिलायबिलिटी फ्रंट के साथ ये गाड़ी पास होती है मेरे सामने। बाकी इसकी बहुत सारी वीडियोस आपके लानी है, मैं आपको ले चलता हूँ उस गाड़ी के अंदर। और गाड़ी की लंबाई चौड़ाई कहीं ना कहीं जिस तरीके से फॉर्च्यूनर में आपको 4.9 मीटर की लंबाई मिलती है, हाई क्रॉस में भी उसी के आजू बाजू की लंबाई है, ये गाड़ी भी एक जो अपना आर्टिगा XL6 उससे ज़्यादा प्रीमियम लेवल आपके सामने ले आती है। तो ये रही फिर आपकी ऑल न्यू इन्विक्टो, और चलते इसके अंदर क्या फंक्शंस है। बाकी जो ADAS वाले फंक्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से ना यहाँ पर मारुति ने अवॉइड करे, क्योंकि उन्हें पता है भाई ये गाड़ी ज़्यादातर शहरों में चल सकती है, पहाड़ों में बिकेगी, तो उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट अभी कस्टमर नहीं है। अब आइए दोस्तों फाइनली चलते हैं आपकी ऑल न्यू मारुति सुजुकी इन्विक्टो के NTS को देखने के लिए, क्या कुछ यहाँ पर स्पेशल आपको ऑफर किया गया है। तो सबसे स्पेशल बात है ना, काफ़ी ज़्यादा ऊंचे ऊंचे आपको इंटरेस्ट फील होंगे, काफ़ी सॉफ्ट टच मटेरियल्स यहाँ पे यूज़ किया गया है, और डिटेल में समझता है किस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेमोरी फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही इस तरीके के आपको यहाँ पर पूरे कंट्रोल मिलेंगे, इस तरीके के आपको यहाँ पर क्रोम की यूनिट मिलेगी, और यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल है कुछ, यहाँ पर आपको शैम्पेन ब्रॉन्ज के ऑप्शन दिखेंगे, नीचे कुछ इतना स्पेस, इसमें आपको टोटल 6 स्पीकर मिल जाते हैं, और इस तरीके की आपको यहाँ पर पावर सीटिंग मिलेगी, काफ़ी ना आपको चौड़ी सीटें देखने को मिलेंगी और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस फील होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके पैनोरामिक सनरूफ को, जिस तरीके से आप देख सकते हैं अंदर बैठ के देखते हैं, यहाँ पर आपको एक डेड पेडल का ऑप्शन मिलता है, इसमें कोई भी मैनुअल का ऑप्शन नहीं आता, सब कुछ हाइब्रिड है। तो यहाँ पर ECVT जो रहने वाला है टोयोटा, इसको एक तरीके से डेवलप कर चुकी है, तो वही सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी काम करेगी। और डोर को एक बार आप बंद करके देखेंगे तो ये है इसकी डोर थर्ड, और इस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो हाई क्रॉस के अंदर डिस्प्ले मिलती थी उसी को यहाँ पर बोरअप किया गया है, और सेम चीज़ आपको ऑफर की गई है। इस तरीके से यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन रहेगा, कोई भी इसमें ADAS के फंक्शन नहीं है, तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं रहेगा। और इस तरीके से स्टीयरिंग को आप नोटिस करेंगे तो भैया ये आपको टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन, पैडल शिफ्टर के ऑप्शन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ, आपको यहाँ पर वाइपर वॉशर, यहाँ पर हेडलैम्प के ऑप्शन, और उस प्रकार आपको पूरा का पूरा जो बॉनेट है वो विजिबल रहेगा। यहाँ पर आपको 10 इंचेस की स्क्रीन दी गई है, इसी प्रकार से नीचे आप देखेंगे कुछ आपको चार्जिंग का ऑप्शन है 12 वोल्ट का, यहाँ पर कुछ आपको कप होल्डर के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो एक टॉगल मिल रहा है जिसमें पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड और स्पोर्ट मोड का ऑप्शन है, ये रहेगा। बेसिक जो EV मोड वाले ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं, बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन। अब यहाँ पर ना आपकी जो इन्विक्टो है वो एक तरीके से सिर्फ एक ही वेरिएंट में ऑफर की जा रही है, और बेस वेरिएंट, मिड वेरिएंट नाम की चीज़ नहीं है। तो जो आपको हाई क्रॉस के सारे टॉप मॉडल में फीचर मिलते हैं उसको आप ये समझ लीजिए एक ही मॉडल है, तो उसको स्टैंडर्ड कह दिया गया है। टोटल 6 एयरबैग, ABS, EBD, TPMS, ये बेसिक फंक्शन जो भी उसमें टॉप एंड में रहते हैं VSM, वो सारे आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड की तरह दिए गए हैं। उसके अलावा ये चीज़ें आपने देखी, नीचे आप देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा ना एक जो आपने लैंड क्रूजर के अंदर भी देखा है वो चीज़ आपको रहने वाली है। किस तरीके से यहाँ पर आपको जो ब्रॉन्ज के यूनिट है वो दिखेगी, यहाँ पर आपको कुछ टाइप सी और नॉर्मल USB, ये कुछ ऑप्शंस, और साथ ही यहाँ पर आप आर्मरेस्ट देखेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट देखने को मिलती, काफ़ी बड़ा स्पेस इसके नीचे रखा गया है। और अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो इसकी पैनोरामिक सनरूफ उसके कंट्रोल आपको यहाँ पर कुछ इस साइड रखे गए जो कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और फंक्शन है, यहाँ पर लाइट्स आपके हैलोजन के साथ है, रूफ लाइनर आपको यहाँ पर फैब्रिक में, कुछ यहाँ पर इसका सारा का सारा मैकेनिज्म आप देख सकते हैं जो कुछ आपको यूज़ किया गया, और साथ में देखेंगे ये इसकी आपको पैनोरामिक सनरूफ दिखती है। साइड में
आपको यहाँ पर रूफ माउंटेड एसी वेंट देखने को मिलेंगे जो कि इस प्रकार रहेंगे। इसमें भी आपको हैलोजन लाइटिंग का ऑप्शन है। लेकिन अगर आप सबसे ज्यादा फ्लैगशिप गाड़ी की बात करें तो ये मारुति की अब सबसे ज्यादा फ्लैगशिप गाड़ी बन चुकी है। आइए इसके सेकंड सीटिंग में चलते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा जो आपको सारा ऑटोमेटिक एसी यूनिट और ये चीजें रहने वाली है। नीचे आप देखेंगे सॉफ्ट रिलीज के साथ ये ऑफर किया गया। एक चीज आप यहाँ पर और देख लो, तो ये रही फिर इसकी पूरी की पूरी थीम। 2 लीटर का हाइब्रिड पावर ट्रेन जो कि आपको 183 हॉर्स पावर और 188 Nm का मैक्सिमम टॉर्क, तो ये है आपके सामने। 4 सिलेंडर का इंजन है और नॉन टर्बो है लेकिन एक प्योर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। इसमें कोई भी ना आपको हाइड्रोलिक स्टार्ट नहीं मिलता है, बेसिक सिस्टम सारा रहने वाला है। पावर अच्छी है इसकी हाइब्रिड मोड में, 183 हॉर्स पावर और कहीं ना कहीं 188 Nm का टॉर्क। मैं देख रहा हूँ ना वहाँ पर आपको GDI का प्रेशर पंप भी देखने को मिलेगा, तो इस गाड़ी में मुझे लगता है कि आपको MPI जो मैनिफोल्ड इंजेक्शन है वो भी सपोर्ट करता है और जो डायरेक्ट इंजेक्शन है वो भी सपोर्ट करता है, जो कि नॉर्मली टोयोटा अपनी इन सीरीज़ की गाड़ियों में करता हुआ आता है। एयर फिल्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैटरी का आप यहाँ प्लेसमेंट देखेंगे, फ्यूल फिल्टर को वहाँ प्लेस किया गया है और ये चीज़ आप देख रहे हैं। काफ़ी बड़ी गाड़ी है तो ये 2 लीटर का इंजन भी इसमें थोड़ा छोटा लगेगा, लेकिन एक प्रॉपर हाइब्रिड पावर ट्रेन है। इसी अकॉर्डिंगली देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये रहने वाला है और इसकी आप पूरी जो डिज़ाइन फिलॉसफी है वो देखेंगे। लाइटिंग ऑप्शन अभी बंद की गई है तो यहाँ पर इस तरीके से डिज़ाइन आता है। और साथ ही मैंने आपसे बात करी थी ना, इसमें आपको फ्यूल टैंक मैनुअली ओपन करना होगा, तो यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक ऑप्शन दिया गया है तो इस डिज़ाइन में रहने वाला है। और कैपेसिटी इसकी अच्छी खासी है, 50 लीटर के आसपास का फ्यूल टैंक है और 23 KMPL का माइलेज ये गाड़ी आपको ARAI सर्टिफाइड दे रही है, तो रियल लाइफ में गाड़ी 20 के आसपास का माइलेज भी देती है, तो बहुत अच्छी फ्यूल इकोनॉमी कहूँगा और इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से काफ़ी सस्ती रनिंग कॉस्ट इस गाड़ी की रहेगी अगर ये 8 सीटर में आप ले रहे हैं तो। आप देखिए यहाँ तक आपने इसकी फर्स्ट रो देख ली, इंजन भी देख लिया, बाहर का डिज़ाइन देख लिया, एक बार इस गाड़ी की सेकंड और थर्ड रो भी देख लीजिए, क्योंकि ये इनकी 3 रो UV है तो कहीं ना कहीं बाहर से दिखने में गाड़ी SUV वाला अपील दे रही है और कहीं ना कहीं अंदर से गाड़ी MPV वाला फील करवाती है। तो क्या कुछ है, यहाँ पर सॉफ्ट टच है ये चीज़ मैंने आपको दिखाई। यहाँ पर आपको किस तरीके का पूरा पैटर्न है ना वो दिख रहा है। 2 आपको कैप्टन सीट्स देखने को मिलेंगी, बीच में आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये जो पैनोरामिक सनरूफ है इस तरीके से यहाँ पर स्प्रेड आउट हुई है और यहाँ पर रूफ रेल के साथ इस तरीके का डिज़ाइन आपको दिखने वाला है। और साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो कुछ आपको इतना बड़ा क्वार्टर पैनल ग्लास मिलता है जिससे आप थर्ड रूम में अगर बैठ भी रहे तो आपको ऐसा नहीं फील होगा कि थोड़ा सा क्लास्ट्रोफोबिक हो रहा है। पीछे आप देखेंगे 3 लोगों के बैठने की स्पेस और जिस तरीके से हाई क्रॉस में थर्ड रूम में काफ़ी अच्छी सीटिंग है, सेम कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर होता है, क्योंकि गाड़ियाँ दोनों सिमिलर है। बस यहाँ पर डिफरेंस ये आएगा कि दोनों नेक्सा और एक तरीके से टोयोटा दोनों का सेल करने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा, सर्विस सपोर्ट और जो पेनिट्रेशन है मार्केट में वो डिफरेंट रहेगा, उसी से पूरा मजा आने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आपको जिस तरीके से आगे प्रॉपर सीटें मिलती है, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी सीटें हैं, थोड़ा सा यहाँ पर सीट कवर को एड ऑन किया गया शायद और कुछ एंकर पॉइंट को भी यहाँ पर लोकेट किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कुछ आपको सारे के सारे कंट्रोल एयर कंडीशन सिस्टम के और इस साइड देखेंगे टाइप सी के ऑप्शन रहेंगे जो कि 2-2 रहने वाले हैं। और ये इसका पूरा जो फ्रंट का पूरा कंसोल है वो देखेंगे। पैनोरामिक सनरूफ मारुति में ग्रैंड विटारा को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, वही चीज़ यहाँ पर है। और यहाँ पर सेकंड रो और थर्ड रो अलग अलग आपको यहाँ पर एसी वेंट रहेंगे, तो यहाँ पर मैं कुछ बैठा हुआ हूँ, मेरा अगर आप हेड रूम शोल्डर रूम देखें तो इस प्रकार रहने वाला है। सही। एक बार जल्दी से चलते हैं इसकी थर्ड रो में और इनमें ना आगे पीछे दाएँ बाएँ सारे ऑप्शन रखे गए। आप देखिए सेकंड रो को मैंने इतना आगे यहाँ पर कर दिया है और यहाँ पर इतना स्पेस आप देख सकते हैं, तो यहाँ से भी पूरा लेआउट देखेंगे इस तरीके से है। अब मैंने देखी इंटरनेशनली बहुत ही 7 सीटर गाड़ियों की वीडियो बनाई है, लेकिन हाई क्रॉस जो फर्स्ट टाइम हमने देखी थी बहुत ही बढ़िया गाड़ी एक तरीके से, और कहीं ना कहीं यही चीज़ इन्विक्टो के साथ भी फॉलो अप होगी कि थर्ड रो इसकी सच में यूजेबल फ्रंट में जाती है और जो एक बड़ा साइज़ इसका पुरानी इनोवा के मुकाबले हो चुका है और वो इसको मिलता भी है। उसके अलावा यहाँ पर जो आर्मरेस्ट वाले ऑप्शन है वो आप नोटिस करेंगे और लेगरूम वेगरूम में कोई दिक्कत नहीं, मेरी हाइट 6 फीट के आसपास है, 5.11 की आप मेरी हाइट है यहाँ पर, और हेडरूम शोल्डर में कोई शिकायत नहीं। उसके अलावा यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है प्रॉपर, जो इसका एंकर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपको सारे हैलोजन के लैंप्स, पीछे आप यहाँ पर बूट को एक्सेस कर पाएंगे और किस तरीके से 235 लीटर का बूट आपको यहाँ पर फील होने वाला है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं आप 2 लोगों के बैठने के लिए कितनी प्रॉपर स्पेस रखी गई है, तो ये एक प्लस पॉइंट बनता है इस गाड़ी के साथ। उसके अलावा यहाँ पर टोटल अभी 7 सीटर का ऑप्शन दिखा रहा हूँ, तो पीछे 3 लोग बैठेंगे, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर पीछे 3 का ऑप्शन है। और उसके साथ यहाँ पर आप पूरा अपना एस्केप पाथ देखेंगे तो ये इतना एस्केप पाथ रहेगा। तो देखिए ऑल एंड ऑल हमने देखा कि आपकी ऑल न्यू इन्वेक्टो अपने साथ कुछ तो स्पेशल लाई है। अब एक तरीके से सिर्फ टॉप एंड मॉडल ही ऑफर किया गया है, तो जिससे सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट आपके सामने थोड़े कम रह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो मारुति सुजुकी है थोड़ा सा यहाँ पर प्रीमियम फ्रंट में जाना चाहती है। कहीं ना कहीं जो एक प्रीमियम बायर 25 लाख से लेकर 30 लाख के सेगमेंट में है उसको भी थोड़ा सा ना एक तरीके से अपनी सर्विसेज से एक फील करवाना चाहती है कि भाई हमें 8 साल हो गए, नेक्सा की बात कर रहा हूँ जो इंडिया में, वो अपने लिए कुछ एक स्पेशल रास्ता बना बना के एक प्रीमियम लाइन और प्रीमियम टैग के साथ यहाँ तक पहुँचे। आप
मुझे बताइए आपको इन्विक्टो कैसी लगी, डिज़ाइन फ्रंट में पसंद आएगी आपको? कहीं ना कहीं हाई क्रॉस याद आती रहेगी और उसमें कोई कमी भी नहीं है, क्योंकि टोयोटा और सुजुकी अपने में बहुत बड़े ग्लोबल जायंट्स हैं और बहुत ही शानदार काम करते हुए ऐसी गाड़ियाँ ला रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी कलर ऑप्शन है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ ग्रे शेड आप देख सकते हैं जिसकी वीडियो अलग से बनाते हैं आपके लिए, और कुछ यहाँ पर ऐसी आपको टैगलाइंस थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको फील करवाने के लिए रहने वाली है। तो वीडियो के साथ आप रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। नई नई वीडियोज़ लाते हैं, आपको समझाते हैं क्या कुछ स्पेशल है इन सब में।